हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रही हो तो थैंक यू आपके लाइव सब्सक्रिप्शंस, लाइक और कमेंट्स के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। और आज की ये जो वीडियो है वो है आपका क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चंस आप व्यूअर्स से मुझे मिलते हैं और मैं इनका जवाब देती हूँ। ओके, दो क्वेश्चंस आए हैं जिनमें से मैं सिर्फ एक का ये भी जवाब दूंगी, दूसरे का दूंगी कि नहीं आई एम नॉट श्योर। ओके, पहला क्वेश्चन है, हाउ डज कार्मिक्स यूज आर वीकनेसेस अगेंस्ट अस। कार्मिक्स हमारे कमजोरियों का फायदा हमारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल करते हैं, लाइक कभी या हमारी कमजोरियों को ही हमारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल करते हैं। एंगर, अगर हमें एंगर इश्यूज हैं, ठीक है। अब पहली बात तो ये कि गुस्सा जो है वो बहुत ही स्ट्रांग इमोशन होता है, पर ये बहुत नेगेटिव होता है, ठीक है ना। जब कोई इंसान गुस्सा कर रहा होता है तो उसकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। उसकी जो अपनी लाइफ की जो फोकस है, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, उससे उसका ध्यान बढ़ जाता है और वो किसी एक चीज़ के ऊपर गुस्सा करने में अपना वक्त ज़ाया करने लग जाता है। अब जब इंसान गुस्सा करता है ना तो उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी उसके पीछे खर्चा हो जाता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो जब हम गुस्सा करते हैं तो बहुत एनर्जी बर्न हो जाता है, ठीक है। हम खुद अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। तो ऐसे में जो कार्मिक्स होते हैं, अगर उन्हें पता है कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो बार बार करके आपको गुस्सा दिलाएगा, ताकि जो काम आपको करना है, जो चीज़ एक्चुअली आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, आप उस पर फोकस ना कर पाओ। दिन रात उठते बैठते जागते सोते आपको सिर्फ वो चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है आप उसके बारे में सोचते रहो और गुस्सा करते रहो, कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, आप ध्यान नहीं दे पाते, तबीयत खराब हो जाता है, इतना गंदा गुस्सा दिलाते, बार बार करके आपको इरिटेट करेंगे। इमोशनल नीड, अगर आपका कोई इमोशनल वॉइड है अपने अंदर, ठीक है, जैसे कि बचपन में अगर आपको प्यार नहीं मिला होगा, ठीक है, लोगों ने आपको अबैंडन कर दिया होगा, आपके इमोशनल नीड्स को किसी ने नर्चर नहीं किया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे में आप ऑब्वियसली चाहोगे कि कोई आए, जो कि ज़्यादातर होता है, आए और आपकी इमोशनल नीड को नर्चर करे, कोई आपसे प्यार करे, ठीक है। जबकि हमें खुद अपनी इमोशंस को फुलफिल करना होता है, जो कि हम असेंशन प्रोसेस में सीखते हैं। पर जब तक हमें इस बात का पता नहीं होता है, उसके पहले तक हम ढूंढते रहते अपने बाहर, प्यार ढूंढते रहते कि कोई आए और मुझे प्यार करे, मुझे अटेंशन दे, कोई तो मुझे समझे, ठीक है। तो ऐसे में जब हम बहुत नीडी होके रहते हैं तो कार्मिक्स हमारे लाइफ में आते हैं और एकदम से हमें लव बॉम्बिंग करने लग जाते, बहुत इम्पोर्टेंट फील करवाते, बहुत प्यार देते, ठीक है ना। हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमें महसूस कराते कि हम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छे है। पर ये सारे ना बहुत ही सुपरफिशियल होता है, बाहरी होता है, खूबसूरती चेहरे का होता है, लुक्स का होता है, ठीक है, अंदर का कुछ नहीं कि आपके तुम कितनी टैलेंटेड हो या फिर कितने अच्छे इंसान हो। ये सिद्धांत और नीतियों से जो कोर वैल्यूज़ है उनसे वो लोग आपसे कभी नहीं जुड़ेंगे।
सुपरफिशियली बाहर की सुंदरता से वो आपको बहलाने की कोशिश करेंगे कि वाह तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम जैसे दोस्त तो मुझे मिल ही नहीं सकता, तुम सबसे अच्छी हो, ये वो दुनिया भर की बातें भूल करके वो आपके ज़िंदगी में एंट्री मारेंगे, ठीक है। और इनका हमेशा कोई ना कोई मकसद होता है, कुछ चाहिए होता है इन्हें आपसे, अटेंशन चाहिए होता है, अपना ईगो बूस्ट करना होता है, फाइनेंशली इमोशनली कुछ ना कुछ आपसे चाहिए होता है, कोई हिडन एजेंडा होता है उनका, अपना मतलब होता है उनका, ठीक है। और आपसे अपना वो मतलब वो निकाल के फिर गायब हो जाते हैं। आप नोटिस करोगे कि जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है तो एकदम से अचानक से आके बहुत प्यार कर दिखाएंगे, अटेंशन देंगे, जहाँ मतलब ख़त्म हो गया, आपका एनर्जी उनका लेना हो गया, फिर गायब हो जाएंगे। आपको जब उनकी ज़रूरत होगी वो कभी नहीं होंगे, पर अपनी ज़रूरत के टाइम पे वो ज़रूर आएंगे। तो वो इस तरीके से आपके इमोशनल नीड को भरने के नाम पे वो और भी ज़्यादा आपको एम्प्टी कर देते हैं, खाली कर देते हैं। फिजिकल नीड और मटेरियलिस्टिक नीड, अच्छा ये जो मटेरियलिस्टिक नीड और फिजिकल नीड्स होते हैं, ये क्लासिक एग्जाम्पल मैं देती हूँ प्रोस्टिट्यूशन का। ना जो कार्मिक नार्सिसिस्टिक मेन जो होते हैं, मर्द जो होते हैं, वो हमेशा ताक पर रहते हैं, बैठे रहते हैं कि अगर कोई औरत है या कोई बच्चा है कम उम्र का है जिसे पैसे की ज़रूरत है तो कैसे इनका फ़ायदा उठाया जाए, थोड़े से पैसे के लिए कैसे उन फिजिकली उनका फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है ना, मना फुसला के इमोशनली आपको ब्लैकमेल करके। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग एक वाइफ है एक हस्बैंड है, ठीक है, ये कपल है, वाइफ को घर चलाने के लिए ऑब्वियसली पैसे की ज़रूरत है, बच्चे की देखभाल करने के लिए, स्कूल खाना सब कुछ, राइट। हस्बैंड चीटर है, ठीक है, पर वो शर्त रखता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं घर में पैसा दूँ तो तुम्हें मेरे हिसाब से काम करना होगा, ठीक है, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। और मेरे हिसाब से चलना मतलब मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ तुम्हें फिजिकली यूज़ कर सकता, जैसे चाहूँ तुम्हारे साथ बिहेव कर सकता, ये होता है कार्मिक हस्बैंड्स, जिन्हें आपके इमोशन से आपके नीड्स वॉन्ट से कोई लेना देना नहीं है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या पसंद क्या नहीं पसंद, कोई लेना देना नहीं। वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे उन्होंने आपको खरीद दिया, आप उनके प्रॉपर्टी, आप जो एक इंसान हो, जीते जागते इंसान हो, वो कभी इस बात की इज्जत नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आता, उनके पल्ले ही नहीं पड़ता कि आप एक जीते जागते इंसान हो, वो आपको वैल्यू नहीं करेंगे, एक सामान की तरह इस्तेमाल करेंगे दैट टाइम, ठीक है। हेट, हेट भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, जैसे कि एंगर, हमेशा गुस्सा हमारे सोचने समझने का काबिलियत हमें हमसे छीन लेता है, ठीक है, और कई बार अगर हमें रिस्पॉन्ड करना नहीं आता है, हम रिएक्ट करते हैं तो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, ठीक है। वैसे ही हेट भी एक ऐसा इमोशन है जो पार्शली हमें ना एकदम निगल जाता है, और अगर हेट हमारे अंदर हो तो किस कोई एक चीज़ से हेटरेट नहीं होता है, हर चीज़ से चिढ़ हो जाती है। ऐसे में कार्मिक्स क्या करते हैं, उन्हें आपसे आपकी एनर्जी चाहिए, ठीक है, अपने मतलब से, अगर पकड़ लीजिए आप आपके पार्टनर में आप कोई चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है ना, और आपका जो कार्मिक है वो आपका दोस्त है, अब वो जानबूझ के, ठीक है, इस गुस्से को, इस हेट्रेड को हवा देगा,
बातें बना बना के आपके दिमाग में जहर घोलेगा, और आपको लगेगा कि यार मेरा दोस्त मेरे लिए कितना केयर करता है, काश मैं अपने दोस्त के लिए कुछ कर पाता। अब एकदम से आपके दोस्त आपको कहता है कि नहीं, मैं तुझसे कोई हेल्प नहीं ले सकता, पर अगर तू चाहता है तो तू मेरे लिए ये कर सकता है, और फिर आपसे कुछ अजीबोगरीब बहुत बड़ा कुछ लेकर के चला जाएगा, और फिर उसे रिटर्न भी नहीं करेगा, उसे उसके मतलब से मतलब है। वो आपका ही हेट, आपका ही गुस्सा आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, आपके अपनों के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, फिर आपका फायदा उठा के भाग जाएगा। ये कार्मिक फ्रेंड्स होते हैं जिसका एग्जांपल मैंने दिया। ओके, रीमर्स एंड गॉसिप्स बदनामी करेंगे अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, आपकी मुलाकात आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हुआ, तो ये जानबूझ के आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत गलत बातें फैलाएंगे, जानबूझ के। उन्हें पता है कि आप बहुत बहुत ही पायस और वर्चस्व हो, आपके कुछ सिद्धांत, कुछ नीतियाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, जैसे कि झूठ आपको बर्दाश्त नहीं होता होगा, चीटिंग आपको पसंद नहीं होगा, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं होगा। पर कार्मिक्स जो होते हैं ये जानबूझकर आप पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप झूठ बोलते हो, आप जैसे इंसान एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आप चीट हो, आपको बदनाम करेंगे, आपके ऊपर इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाएंगे, और ये इल्ज़ाम वो किसके आगे लगाएंगे, आपके पार्टनर के सामने, आपके पार्टनर के कान भरते रहेंगे। ट्विन फ्लेम्स के डायनामिक्स में मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं आप ज़्यादातर वक्त अपने इमोशन से वो डिस्कनेक्टेड रहते हैं, और बचपन से वो हमेशा लड़कियों से ही धोखा खाता है, फेमिनिन एनर्जी से ही धोखा खाता है, पहले मॉम, फिर घर के बाकी जो बहन भाभी चाची लोग होते हैं वो टॉर्चर करते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, गर्लफ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड के जो बीवियाँ गर्लफ्रेंड्स होती हैं हमेशा सबको देखता है चीट करते हुए, झूठ बोलते हुए, तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाता है कि फेमिनिन एनर्जी ठीक नहीं है। ऊपर से सोसाइटी की ये बकवास रहती है कि फेमिनिन एनर्जी मतलब उसे पैर की जूती बना के रखो, डोरमेट की तरह ट्रीट करो, पेट्रियार्कल सिस्टम भी प्ले करता है इसमें, ढेर सारे इश्यूज होते हैं। तो ऐसे में जब डिवाइन फेमिनिन एक्चुअली में मैस्कुलिन को सच बोल रही होती है, क्योंकि फेमिनिन कभी भी झूठ पे अपनी रिलेशनशिप की शुरुआत नहीं करेगी, उसे उसे पता, हमेशा से पता है कि एक स्ट्रांग रिलेशनशिप वो ही बनता है, लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रांग रिलेशनशिप वो ही बनता है जिसके बेस ठीक, जिसकी नींव ठीक रखी जाए। अगर नींव कमज़ोर होगा तो रिलेशनशिप नहीं टिकेगा। तो डिवाइन फेमिनिन वो एकदम जेन्युइनली जब एक्चुअली में अपने आप को वो शो करती है, तो मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन को यकीन नहीं होता, और ऐसे में कार्मिक्स जो होते हैं वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए, ठीक है, और उसके कान भरते हैं कि यार तूने उसको तो देखा था, तो तेरी वो पिछली वाली जो बंदी थी उसने क्या किया, और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसने क्या किया, दिखाती थी बहुत बहुत अच्छी अच्छी है पर देख उसने क्या कर दिया, हाँ टूट गया था ना हमारा दोस्त, और तू भी तो टूट गया था ना, क्या किया था उसने तेरे साथ, अब ये भी अच्छी अच्छी दिखा रही है, आगे चल के पता चलेगा कैसी है। तो जहाँ डिवाइन मैस्कुलिन भरोसा करना भी चाहेगा ना, तब भी नहीं कर पाएगा। अब ये कमजोरी डिवाइन मैस्कुलिन की है, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के भी हैं, और कमजोरी ये है कि ये समझना कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता, और दूसरों के वजह से, एक की वजह से किसी दूसरे को सज़ा देना ये गलत बात है। हो सकता है पूरी ज़िंदगी आपने धोखा खाया हो, पर आपको तो यकीन है ना भगवान ने आपके लिए कोई ना कोई ऐसा बना के रखा है जो आपके साथ ऐसा धोखाधड़ी नहीं करेगा, तो आपको तो सामने वाले को अच्छे से
समझना होगा ना, बिना उसे जांचे परखे। ठीक है, आप अगर यकीन ही नहीं करोगे दूसरों की बातें सुन के उन पर यकीन करोगे, बिना सोचे समझे एकदम से फैसला कर दोगे कि नहीं ये भी बाकी की तरह है, तो ऐसे में आपका कनेक्शन कैसे टिकेगा? बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन्स को ब्रेकअप के बाद इस बात का एहसास हुआ कि जिन लोगों की बातें सुन सुन के वो डिवाइन फेमिनिन के ऊपर शक करता था, झगड़ा करता था, एक्चुअली वो लोग झूठे थे। उन्हें तो शायद डिवाइन फेमिनिन का पूरा नाम भी नहीं पता था। उन्हें अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी डिवाइन मैस्कुलिन से, जिसका बदला वो इस तरीके से निकाल रहे थे। क्योंकि कार्मिक्स जो फेमिनिन एनर्जीज थी डिवाइन मैस्कुलिन को चाहते थे। ठीक है, अचानक से जब डिवाइन फेमिनिन उसकी ज़िंदगी में आती है और मैस्कुलिन उसके साथ रहने का फैसला करता है, तो ऑब्वियसली ये बाकी जो बंदियां हैं उन्हें तो मौका नहीं मिल रहा था ना, क्योंकि इनका कनेक्शन ही, ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन ही कुछ ऐसा होता है कि दो लोग एक दूसरे में खो जाते हैं, उनके लिए आसपास भी कोई भी चीज़ और मायने नहीं रखता। तो इस तरीके से बदनामी फैला के, रिमोर फैला के, ठीक है, हमेशा कमजोरियों को टारगेट करते हैं। उन्हें पता है कि चलो डिवाइन मैस्कुलिन को शक करने की बीमारी है, लाइफ में उसने फेमिनिन एनर्जी से बहुत प्रॉब्लम फेस की है, तो इसी चीज़ पे इसी घाव को और नासूर बना देते हैं, ताकि वो ज़िंदगी में कभी भी डिवाइन फेमिनिन पे यकीन ना कर सके। हालांकि ब्रेकअप के बाद, सेपरेशन के दौरान डिवाइन मास्टर्स को इस बात का एहसास होता है कि यार मेरी बंदी ने कभी गलत किया ही नहीं था, उसने कभी झूठ नहीं बोला था, इट्स जस्ट दैट कि मुझे सच सुनने की आदत नहीं है, इसलिए मुझे उसके सच पे भरोसा नहीं हुआ। मैं पूरी ज़िंदगी झूठ सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ, और एकदम से जब सच मेरे सामने था आई जस्ट कूंट टेक इट। ओके, ये ऑलरेडी वीडियो 17 मिनट्स की हो गई है, तो अगली क्वेश्चन ये ब्लैक मैजिक के ऊपर है। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स है, और इसके लिए मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे दो तीन स्टोरीज के साथ बैकअप करूँगी जिनके साथ मैं डील कर चुकी हूँ। ठीक है ना, मेरे क्लाइंट्स डील कर चुके हैं और जो मैंने फर्स्ट हैंड लोगों को डील करते हुए देखा है अपने आंखों के सामने, तो उन सारे सिचुएशंस को समझाने में, बताने में, शेयर करने में टाइम लगेगा, तो मैं वो वाला वीडियो ना कल बनाऊंगी। ठीक है ना, अब तक के लिए इतना ही, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।